अब चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है करियर निर्माण। यहाँ आपको हम अवगत कराते हैं नए करियर ऑप्शन से और बताते हैं कैसे करें करियर निर्माण। आइए दोस्तों, देखते हैं इस बार क्या है खास। जम्मू से दिल्ली आए विकास के लिए खदानों में काम करने का ये पहला मौका है। हालांकि ये खदानें असली नहीं हैं, बल्कि यहाँ पर काम करने की ट्रेनिंग देने के लिए इनको बनवाया गया है। स्किल डेवलपमेंट कोर्स के दौरान सिमुलेटेड माइंस में इन युवाओं को ड्रिलिंग ऑपरेशन, विस्फोटकों को लगाना और ब्लास्टिंग करना, खदानों को डिजाइन और उनका रखरखाव करना तथा खदानों में भीतर कैसे सुरक्षित काम किया जाए, इन बातों की ट्रेनिंग दी जाती है। स्टिमुलेटिंग माइनिंग फर्स्ट टाइम देखी है, जिसमें मेरे को पता चला कि यहाँ पर रिफ्यूज चैम्बर होता है, ड्रिलिंग मशीन्स होती हैं, किस तरीके से पिलर अरेंजमेंट्स होते हैं, किस तरह की माइंस होते हैं, कहाँ वायर मैश लगी होती है, और ब्लास्टिंग और ड्रिलिंग के बारे में जाना सर। खदानों में काम करना खासा चुनौती भरा है। अक्सर छोटी मोटी दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है, जिनसे निपटने के पूरे इंतजामों की जानकारी इन युवाओं को दी जाती है। अगर कोई माइंस में अनसेफ इंसिडेंट कुछ होता है, रूफ कोलैप्स है या कुछ और कुछ भी ऐसा इंसिडेंट होता है, तो कहाँ पे वो अप्रोच कर सकते हैं, सेफ्टी या रिफ्यूज चेंबर जो है वो सब यहाँ पे सिमुलेट किया हुआ है हमने, जहाँ की आके वो सीख सकते हैं अच्छे से। जम्मू से आए इन युवाओं को भारत सरकार की उड़ान परियोजना के तहत ट्रेंड किया जाता है। परियोजना के तहत इनकी शिक्षा और रहने खाने का खर्च भारत सरकार ही उठाती है। ये एक स्पेशल स्कीम है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसके हम एक पार्टनर हैं। तो हमने पिछले 2 साल में लगभग 450 बच्चों को जम्मू कश्मीर से लाए हैं, उनको यहाँ पर डिफरेंट एरियाज में ट्रेन करते हैं। जैसे सिविल इंजीनियरिंग के बच्चों को सिविल, उसमें हम उन्हें ऑटो कैड पढ़ाते हैं, हम उनको ऑन साइट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिलवाते हैं। जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हैं उनको PLC प्रोग्रामिंग में देते हैं, मैकेनिकल के बच्चों को इंजीनियरिंग ड्राइंग, ऑटो कैड और CNC मशीन के ऊपर एक्सपोजर देते हैं। जो IT के बच्चे हैं और ITES के बच्चे हैं, उन लोगों को जावा प्रोग्रामिंग और कैसे सॉफ्ट स्किल्स, इन सब चीज़ों पर उनको एक्सपोजर दिया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की GDP में 2% का योगदान माइनिंग सेक्टर का है। 2013 में भारत कोयला उत्पादन करने वाला विश्व का तीसरा देश रहा। कोयला रिजर्व के मामले में विश्व में भारत का 5वां स्थान है। 2015 तक भारत के स्टील उत्पादन में दुनिया का दूसरा बड़ा देश बनने की उम्मीद है। हालांकि माइनिंग सेक्टर में सरकार ने 100% FDI को मंजूरी दे दी है, जिसके चलते इस क्षेत्र में विकास को नई दिशा मिल सकती है जिससे नए रोजगारों में और भी इजाफा मिलने की संभावना है।